हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस कलेक्शन। आज मैं आप सभी को TDA 2030 4.1 होम थिएटर की रेस्टोरेशन करना सिखाऊंगा। ये मेरे पास होम थिएटर आया है, इसका स्पीकर ख़राब है। ग्राहक ने मेरे पास आके ये बात कही कि ये उनसे गिर गया था और जब से ये उनके पास ऐसा रखा हुआ है 4 से 5 महीने हो गए, और गिरने की वजह से इसमें स्पार्किंग हुई थी। मुझे लग रहा है इसकी ICA भी ख़राब है, तो ICP हम चेंज कर देंगे। इसमें लगा हुआ ट्रांसफार्मर 12012 एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर है। इसका ऑडियो बोर्ड जो कि 4.1 है, TDA 2030 IC का यूज़ करा हुआ है इसमें। इसमें 2 ICO को ब्रिज करके सब ऊपर के आउटपुट है, और एक एक सिंगल IC से हमारी सैटेलाइट चलेगी। अंदर की हालत आप देख सकते हैं। साइड में आपको इसके वॉल्यूम, बेस और ट्रिगवेल के कनेक्शन मिल जाएंगे। यहाँ वॉल्यूम नॉब यूज करी हुई है 6 पिन की। फ्रंट पैनल में ब्लूटूथ कार्ड और रिमोट लगा हुआ है। मैं फ्रंट पैनल को भी नया ही बनाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग हटा लेंगे। आपको वायरिंग आराम से हटानी है, अगर आप खींच के उतारोगे तो प्रिंट उखड़ जाएगा और आपका बोर्ड खराब हो जाएगा। देख सकते हैं आप, मैंने वायरिंग हटा ली है। अब इसके ट्रांसफार्मर को भी खोल लेंगे, फ्रंट पैनल की भी वायरिंग हटा लेंगे। वैसे तो हमारे किसी काम का नहीं है फ्रंट पैनल, क्योंकि मैं इसमें दूसरी तरह का BT कार्ड का यूज करूंगा, और फ्रंट पैनल भी हम नया बनाएंगे क्योंकि ये पूरा टूटा हुआ है। आप भी इसी तरह से सारी वायरिंग हटा लीजिए पहले, पर आप वायरिंग हटाने से पहले एक बार उसकी वीडियो बना लें ताकि आपको पता रहे कि वायरिंग कहाँ से टूटी हुई है और कहाँ पे सोल्डरिंग कर रखी है। मेरे को तो वायरिंग करनी आती है, इसलिए मैंने ऐसी काट ली। फटाफट से सारी वायर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ग्राहक ने पूरी तरह से टेप से इसको कवर कर रखा है, और ये टूटा हुआ भी है। तो हम इसकी बॉडी दोबारा से ही बनाएंगे। अब हम पूरी बॉडी नहीं करके बनाएंगे, आपको सारे पीस आराम से हटा लेने। अगर आप ज़्यादा तेज से खींचेंगे तो पूरी बॉडी टूट जाएगी। मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। हटाने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पीस अलग हो गए, आप पीस देख सकते हैं। मैं इनको साफ करूँगा और दोबारा से पेस्ट कर दूँगा। और इनकी जो ब्लैक कलर की पॉलीविनाइल है, आप गैस पे हीट करके हटा सकते हैं। मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने फ्रंट पैनल भी बना लिया दूसरा। मैंने MDF बोर्ड की शीट का यूज़ करा है। लुक देख सकते हैं, स्पीकर भी रिपेयर कर दिया। बैक लुक, कनेक्शन भी कर लिए। मैं अभी आपको इसके कनेक्शन भी समझाऊंगा।
आईसी मैंने चारों चेंज करी थी क्योंकि उन आईसीओ में हमिंग प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने कुछ इस तरह की पीवीसी शीट का यूज़ करा है ऊपर चढ़ाने के लिए। आपको ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। मेरे को 10 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिली है और फ्रंट पैनल पे इस तरह की शीट चढ़ाई है मैंने। फ्रंट में मैंने एक ट्विटर का भी यूज़ करा है ताकि हमारी हाई फ्रिक्वेंसी अच्छी तरह से आ पाए। ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं। इस ट्विटर का नंबर है SP102, शोवा कंपनी का बहुत अच्छा ट्विटर है, पीजो इलेक्ट्रिक का ट्विटर है। आपको ट्विटर यूज़ करते समय 2.2 माइक्रोफेरेड 63 वोल्ट के दो कैपेसिटर इस तरह से लगाने, प्लस माइनस माइनस प्लस, ताकि आपकी हाई फ्रिक्वेंसी ही फिल्टर होकर आगे जाए। आपको ये कैपेसिटर प्लस टर्मिनल पे लगाने और माइनस टर्मिनल पे डायरेक्ट सोल्डरिंग करनी है। इसके अलावा मैंने ब्लूटूथ पैनल इस तरह का यूज़ करा है, ये हमारा इजी टू यूज़ रहता है। सबसे पहले कनेक्शन, मेन वायर डायरेक्ट है और दूसरा टर्मिनल मैंने एक स्विच से दिया है और ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट वायर को मैंने बोर्ड के इनपुट में डाला है जहां प्लस माइनस सप्लाई डालनी होती है। इसके बाद ब्लूटूथ कार्ड के कनेक्शन बताता हूं मैं आपको। इसकी जो ऑडियो आउटपुट है वो आपको पोटेंशियोमीटर, आप 6 पिन का ले सकते हैं। पहले तो आपको इनकी थर्ड पिन को एक साथ सोल्डरिंग करनी है ग्राउंड के लिए और जो बीच वाले दो पॉइंट रहते हैं सेकंड नंबर की पिन के, वो बोर्ड के अंदर इनपुट जाएगी, यानी कि वो आपके पोटेंशियोमीटर की आउटपुट रहती है। ये थर्ड वाली आपकी ग्राउंड है और जो फर्स्ट और रहती हैं दोनों, वो आपकी कार्ड से ऑडियो आउटपुट जा रही है उसमें जाएगी। बेस के लिए 3 पिन का पोटेंशियोमीटर, इसके कनेक्शन रेड वाली वायर जो है वो ग्राउंड है, येलो वाली ऑडियो इन है और ऑरेंज वाली ऑडियो आउटपुट है। इसमें ही मैंने एक रेजिस्टेंस का यूज़ करा है, मैंने यहाँ 22K और 10K की रेजिस्टेंस को सीरीज में कर दिया है ताकि बेस ओवर ना हो। ट्रैवल के लिए भी हम इसी तरह का पोटेंशियोमीटर लेंगे, थर्ड पिन को एक साथ सोल्डिंग करेंगे ग्राउंड में लगाने के लिए। और आपको यहाँ से ट्रैवल लेनी है, ये दो पॉइंट है, ये आपको फर्स्ट पिन पर लगाने और सेकंड पिन पे आपको 104 कैपेसिटर लगाना है इन दोनों पिन्स पे। आप सेरेमिक कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। ये 5 वोल्ट ब्लूटूथ कार्ड के लिए, जो ब्लूटूथ कार्ड की आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई रहती है वो आपको यहाँ से मिलेगी। ब्राउन वाला वायर प्लस 5 वोल्ट है और ब्लैक वाला ग्राउंड। ये आपको स्पीकर आउटपुट मिल जाएंगे लेफ्ट राइट और ग्राउंड बीच में। मैंने ट्विटर भी एक ही लेफ्ट कनेक्शन से ले लिया है, जो आप यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं जिस तरह से मैंने करें, आप भी उसी तरह से करना। कॉमन करने हैं दोनों स्पीकर। जो थर्ड पिन है वो ऑडियो इनपुट है, वो आपको ब्लूटूथ कार्ड के ऑडियो इनपुट पर लगा देनी है, लेफ्ट राइट और मिड में ग्राउंड। और ये आपके सबवूफर की वायर से रीच करा हुआ है, तो दो आईसीओ के ऑडियो आउटपुट से आपको एक एक वायर उठानी है और आपको अपने सबवूफर में लगानी है। सकते हैं ये डायरेक्ट सब ऊपर में वायर गई है। तो इस बोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। FM एंटीना का वायर भी मैंने ब्लूटूथ कार्ड से लिया, ये आपको ब्लूटूथ कार्ड के एंटीना पॉइंट पे सोल्डरिंग करना है।
ताकि हम FM का भी यूज़ कर सकें। इसी के साथ कनेक्शन पूरे होते हैं। इस तरह के सैटेलाइट हैं, आप और तरह के भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पे यही अवेलेबल थी। ऊपर के जो चार पॉइंट्स हैं वो आपकी सैटेलाइट के हैं, और नीचे के दो पॉइंट आपकी ऑडियो इनपुट है, जहां आप अपने टीवी वगैरह से ऑडियो इनपुट कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड नए नए अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।